बॉडी होती है, जैसे कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरह सिमिलरली जो मून है, जो सैटेलाइट होती है वो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाती है। सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। फिर ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स, सबके क्या अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, लेकिन जो मरकरी और वीनस है इनके एक ही सैटेलाइट है, बाकी जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके क्या है, एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स है। तो जो सैटेलाइट्स होती है ये क्या करती है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है सन की लाइट को। और अर्थ, जो हमारे अर्थ के पास भी एक सैटेलाइट है वो है मून। जुपिटर सैटेलाइट है, जो गैनीमेड है वो क्या है, पूरे सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। जैसे कि जुपिटर भी क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो उसकी सैटेलाइट है गैनीमेड, वो भी क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम में। अर्थ की जो मून है वो भी, मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, इसको हमने लॉन्च नहीं किया, ये नेचुरली बनी हुई थी। जो मून है वो पूरे सोलर सिस्टम में 6th नंबर पे आता है। तो सैटेलाइट्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट या एक दूसरी होती है मैन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट होती है जो पहले से यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है, नेचुरली बनी है, नेचुरल कंडीशंस के बेसिस के ऊपर बनी है। लेकिन जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होगी या फिर मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगी, उसको हम आर्टिफिशियली हमने लॉन्च किया ताकि हम जो स्पेस है हमारे प्लैनेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता कर सके। तो अभी हम देखते हैं नेचुरल सैटेलाइट। द डायमीटर ऑफ आवर मून इज ओनली 1/4, जो अर्थ का जो डायमीटर है उसका जो 1/4 होगा हिस्सा, उतना होता है हमारे मून का डायमीटर। इट अपीयर, ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के क्या होता है, नज़दीक होता है, इसलिए इसका जो डायमीटर है वो 3.84 × 10⁻⁶ किलोमीटर है। फिर है मून, जो मून होता है उसको 27 डेज एंड 6 आवर लगते हैं अपना एक चक्कर पूरा करने में, और एक रोटेशन में भी उतना ही टाइम लगता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन, तो जैसे ये मून क्या करता है, सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स के, जो अर्थ है प्लैनेट उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसके कुछ क्या बनेंगे, कुछ फेजेस बनेंगे। ये जो है अर्थ से कुछ डिग्री एंगल पे इंक्लाइन होता है, तो आप लोग इस फोटो में देख सकते हो, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे मून था, इधर तो बिल्कुल फुल मून है, फिर ये थोड़ा सा और डिग्री रोटेट हुआ तो जो थोड़ा सा हिस्सा वो चला गया, फिर है बिल्कुल आधा आधा ही हिस्सा रहा हमारे पास। फिर आता है क्रिसेंट मून, इसमें भी क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ही हमको विजिबल होगा। फिर एक नाइट ऐसी आएगी क्या है, नो मून नाइट, उस दिन मून होगा ही नहीं, तो उसे हम अमावस भी कहते हैं। फिर वापस धीरे धीरे थोड़ा सा क्या है, सन मून है वो थोड़ा सा वैक्स होगा, थोड़ा सा दिखेगा, फिर वापस वही जब आधा मून दिखेगा, फिर है एक नाइट ऐसी आएगी उसमें आपको थोड़ा सा मून ही गायब होगा, फिर वापस वही फुल मून आ जाता है। तो 15 डेज का होता है, इसमें आपको मून के फेजेस देखने को मिलते हैं, फुल मून, हाफ मून, न्यू मून, क्रिसेंट मून, तो इसमें 4 फेजेस होते हैं। फिर है द न्यू मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून में क्या कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, हम वहाँ पे रह नहीं सकते, केवल अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट भी कहते हैं। जो मून में क्या है, वाटर भी नहीं है, एयर भी नहीं है, इसमें माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स हैं, और इसकी सरफेस के ऊपर कुछ डिप्रेशन है, और इसका जो टेम्परेचर होता है मिड नाइट, जो दिन का उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है मिड डे का टेम्परेचर 117 डिग्री सेल्सियस, और ये नाइट होते होते मिडनाइट इतना ज़्यादा गिर जाता है कि -162 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, यानी पॉजिटिव से ये नेगेटिव में आ गया, इतना ठंडा होता है। अपन कहते भी हैं ना कि मून क्या होता है, ठंडा होता है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट और फिर मैन मेड सैटेलाइट। तो क्या है ह्यूमन मेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल बॉडी है, इसे हमने लॉन्च किया है, अपने लिए बनाया ताकि हम क्या है कुछ इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। इसको साइंटिस्ट वगैरह सब मिलके बनाते हैं ताकि ये अब जो कम्युनिकेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। इट इज कैरी आउट बाय रॉकेट, इसको हम क्या है रॉकेट से
यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं और इतनी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी से लॉन्च कर देते हैं, फिर वो क्या लॉन्च होने के बाद वही उसी ऑर्बिट में क्या है जो मून है या फिर सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं, तो उसी वेलोसिटी से हम उसको लॉन्च करते हैं, फिर वो क्या है जो अर्थ के चारों ओर अपने आप चक्कर लगाते हैं उसी वेलोसिटी से लॉन्च करेंगे, जिससे क्या है वो अपने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम सके। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक ये नेचुरल सैटेलाइट की तरह ही काम करती है। इसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं क्योंकि ये हमने बनाया है, आर्टिफिशियल है, फॉल्स है। इसलिए सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स, उसमें से कुछ इंडियन सैटेलाइट्स जो हमने लॉन्च किए वो है इनसेट है, IRS है, एजुसेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको इस जो टेबल बनी हुई है यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस है दीज आर नेचुरली प्रेजेंट इन द स्पेस, ये अब नेचुरली होती है। सेकंड, इसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो पॉइंट है फर्स्ट, दीज आर डिजाइन्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय साइंटिस्ट एंड देन सेंट टू स्पेस। पहले हम उसको वहां पे बनाते हैं फिर हम उसको स्पेस में लॉन्च कर देते हैं। फिर है दीज आर सेकंड पॉइंट, दीज आर नेचुरली प्लेस्ड इन द ऑर्बिट्स, इनकी नेचुरली ऑर्बिट होती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दीज आर प्लेस्ड इन ऑर्बिट्स बाय पावरफुल रॉकेट कॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसको हम क्या है रॉकेट्स में डालते हैं, पावरफुल रॉकेट में, जिसको हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भी कहते हैं। इसका थर्ड पॉइंट जो नेचुरल सैटेलाइट का, दे आर कंपैरेटिवली फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जो ये नेचुरल सैटेलाइट होती है वो क्या अर्थ से थोड़ी सी दूर होती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो क्या होती है, दे आर क्लोजर टू द अर्थ। अब फर्स्ट प्लूटो या फिर इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा था अपन प्लैनेट को वो प्लैनेट्स कंसिडर होते हैं जो क्या वो अपना जो रोटेशन रिवॉल्यूशन है सन के जो चारों ओर चक्कर लगाने में 290 डेज या उससे कम डेज में जो अपना एक चक्कर पूरा कर देते हैं वो प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो प्लूटो होता है वो इतना टाइम में अपना चक्कर पूरा नहीं कर पाता है, इसीलिए हमने उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया था। तो वे प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। प्लूटो इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट मेड ऑफ सॉलिड रॉक की मटेरियल, इसके अंदर सॉलिड रॉक की मटेरियल होते हैं। ये तो बिल्कुल अगर हम इसको टेलीस्कोप से देखेंगे तो स्मॉल पेड येलोइश कलर का प्लैनेट दिखता है। इट इज ऑलमोस्ट जितनी की सन की मून से जो दूरी है उससे भी 40 टाइम्स ज्यादा ये क्या है दूर है सन से। तो फिर क्या ये जो जैसे आपको मैंने बताया था कि प्लैनेट्स की डिस्टेंस डिसाइड करती है कि इसका टेम्परेचर यहाँ पे कैसा हो, जो जितना ज़्यादा पास होगा प्लैनेट वो क्या है सन के उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी और वो इतना ही ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट होगा। तो जो प्लूटो है सबसे दूर है, यानी हमने अभी देखा कि सन और मून की डिस्टेंस से भी क्या है 40 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये क्या है सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये सन की रेज रिसीव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि प्लूटो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है। Its orbit is highly elongated and cuts through that of the planet. इसकी जो orbit है इतनी ज़्यादा elongated है कि नेपच्यून के बीच में आ जाती है। Its time for one revolution, इसका rotation, इसका जो revolution करने का time है वो है 247.68 years. इसको 247 इतने years लगते हैं। Where time for one rotation on its axis is, और जो एक दिन में जो मून ने रोटेशन करने में 24 आवर लेता है वही रोटेशन करने में ये क्या 6.39 मीन 7 डेज लेता है ये अपना एक चक्कर करने में। अगर उसको प्लैनेट कंसिडर करेंगे तो फिर तो ये इसका जो एक दिन होगा वो हमारे 7 दिन के बराबर होगा। अब एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स ये स्मॉल प्लैनेट है जो क्या है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हर एस्टेरॉइड की खुद की ऑर्बिट होती है, इसका जो क्या है इसीलिए हम उसको या तो प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं और माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह होते हैं सन के चारों चक्कर लगाते हैं, इसलिए हम इसको प्लैनेटॉइड्स कह सकते हैं। जो इसकी ऑर्बिट्स है वो 550 मिलियन किलोमीटर तक फैली हुई है और एक बैंड बनाती है, बेल्ट बनाती है, इसलिए हम उसको एस्टेरॉइड बेल्ट भी कह सकते हैं, जो क्या मार्स और जुपिटर के बिल्कुल बीच तक है। फिर आउट ऑफ ओवर हमारे पास
1 लाख एस्टेरॉइड्स है, उसमें से हमारे पास हम लोगों को 4000 एस्टेरॉइड्स का ही हमें पता है। जैसे इसका बर्थ होता है ये सीधा एक्सप्लोड हो जाता है। द लार्जेस्ट ऑफ दिस टिनी प्लैनेट, इसमें से एक जो सिरस है वो सबसे बड़ा प्लैनेट टिनी प्लैनेट है सिरस। जो ये जो इसको टिनी प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, तो इन टिनी प्लैनेट्स में जो सिरस है वो सबसे लार्जेस्ट है। इसका डायमीटर है 768 किलोमीटर। अब है मीटियर्स और मीटियोराइट्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। ये तो अभी हमने एस्टेरॉइड्स का देखा कि ये स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन मीटियोराइट्स क्या है? रॉक्स के कुछ स्मॉल पीसेस है, इसे हम कहते हैं मीटियोराइट्स भी कह सकते हैं और मीटियोराइट्स भी कह सकते हैं। मीटियर्स और मीटियोराइट्स समटाइम दिस ये कभी कभार मीटियोराइट्स क्या करते हैं, अर्थ के एटमोसफेयर में आ जाते हैं, लेकिन फ्रिक्शन होने के कारण क्या है, अर्थ के एटमोसफेयर में आते ही बर्न हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये अर्थ के एटमोसफेयर में बर्न नहीं हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सीधे हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं। कभी कभार हमें लगता है ना कि आसमान में तारा टूट रहा है, शूटिंग स्टार हम कहते हैं, लेकिन वो क्या है, एक्चुअली में तारा टूटा नहीं, वो मीटियोराइट्स हमारे अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर एंटर कर चुका है, इसलिए हम उसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो कभी कभार ये सीधा हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में आ जाता है और फिर क्या करता है, एक गड्ढा बना देता है, वही होता है हमारा मीटियोराइट। फिर अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गैलेक्सी। जो गैलेक्सी क्या होता है, जब हम लोग रात को एकदम स्काई में देखते हैं तो हमें क्या कुछ स्टार के क्लस्टर्स मिलते हैं, तो वो होती है गैलेक्सी। मिलियंस ऑफ स्टार्स का जो क्लस्टर होता है वो होता है गैलेक्सी। उसी बैंड को कहते हैं हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी। इसका नाम मिल्की वे इसलिए पड़ा गया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो मिल्क का क्या बना हुआ है, ऐसे मिल्क बह रहा है, इसलिए हम उसको मिल्की वे कहते हैं। और सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है इन एशियंट इंडिया। लेकिन जो एशियंट इंडिया में ऐसा माना जाता था कि ना ये जो रिवर जो गंगा होती है वो ऐसे बह रही, इसलिए इसको आकाश गंगा भी कहा जाता था। और गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। बिलियन ऑफ स्टार्स और जो क्लाउड है ऑफ डस्ट एंड गैसेस का जो होता है ह्यूज सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं गैलेक्सी। इसकी क्या होती है, एक दूसरे से ग्रेविटेशनली इनका इंट्रैक्शन होता है एंड ऑर्बिटिंग अबाउट, जैसे इतने सारे स्टार्स का जो क्लस्टर होगा सब एक दूसरे से ग्रेविटेशनली अट्रैक्टेड है, इंटरेक्टेड है, और सबका जो क्या हुआ एक कॉमन सेंटर होगा। गैलेक्सीज वेरी, इसकी साइज अलग अलग हो सकती है, इनका शेप स्पेयर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है एंड इरेगुलर भी हो सकता है। जो गैलेक्सी है मिल्की वे वो स्पिरल शेप की है, और जो हमारी गैलेक्सी के जस्ट नज़दीक में जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, जो क्या है 4 लाइट ईयर्स अवे है। अब देखते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या, आपने कभी सोचा है यूनिवर्स होता है क्या, ये कितना बड़ा हो सकता है, हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम किसी प्लैनेट को भी मार्क करें ना अपनी खुद की स्केल बना के, हाइएस्ट से हाइएस्ट अगर उसका किलोमीटर भी देखें तो भी हम क्या उसको जो प्लैनेट्स वगैरह को बिल्कुल हम लोकेट नहीं कर सकते हैं। क्या आप अगर इफ ड्रॉन टू स्केल अवर गैलेक्सी डज नॉट गेट अ पॉइंट साइज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर अपन गैलेक्सी को भी लोकेट करेंगे तो एक उसको क्या है पॉइंट साइज में भी क्या है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी है। अगर आप सोलर सिस्टम को भी करोगे तो भी क्या है नहीं अपन कर सकते, लेकिन जो हमारा अर्थ है अर्थ को क्या मुश्किल से हम एक पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं सोलर सिस्टम में। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 यहीं खत्म होता है। थैंक यू।